One more time. एक बार फिर गाएंगे. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Oh, I once was lost. Well, now I am found, was blind, but now I... Oh, one more time. एक बार फिर गाएंगे. Amen. Everybody. सब मिलकर. Praise how sweet the sound that saved. Are who like me? Yes, I was who was lost. Well, now I am found. Was blind, but now I see. God be praised. ओ परमेश्वर का नाम धन्य हो. धन्यवाद प्रभु यीशु. Lord, we thank you, Father. प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं पिता. Be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य हो. How we praise you, Lord. हम तुझे कैसे स्तुति दे परमेश्वर. Thank you. हम तुझे कैसे धन्यवाद दे प्रभु तेरी अच्छाइयों के लिए, तेरी दया के लिए. Oh my. Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य हो. Amen. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Praises and honor and glory और आदर और महिमा और प्रभुता ओ बनने को जाती है जो कि उत्पत्ति की नींव डालने से पहले भाग किया गया और परमेश्वर के विचार में जब भाग किया गया और हमारा नाम उस मेमने के जीवन की किताब में छिड़क दिया गया. थैंक यू जीसस. ओ धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you, Lord. Praise God. Shall we bow our heads in a word of prayer? आइए अपने सिरों को प्रार्थना के लिए झुकाएंगे. Want to remember Sister Millie Fischetti. बहन मिली फिशेटी को याद रखिए प्रार्थना में. Saint George's brother Anthony Fischetti. और एंथनी की बहन मिली को याद रखेंगे प्रार्थना में. और उन्होंने अपने मसूड़े की हड्डी को खो दिया है. परमेश्वर नई सृष्टि करे इसके लिए प्रार्थना करना. Let us remember our brother Kurt. भाई कर्ट को प्रार्थना में याद रखेंगे. He won't be with us today. He's moving. वो हमारे साथ यहाँ पर होना चाहते थे. एक तकलीफ से दूसरी तकलीफ की ओर भाई जा रहे हैं. अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएंगे. Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, with great reverence and respect, हम तुझे महान आदर देते हुए that we come before the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं. How we thank you, Lord. हम तुझे कैसे धन्यवाद दें परमेश्वर. On the face of this earth, हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं. In the dying moments of this world, संसार मरने की अवस्था में है. The world's getting ready to have a funeral service. संसार तैयारी कर रहा है दफनाने की. But Lord, you're getting ready for the wedding supper for your bride. लेकिन प्रभु तो अपने मेमने के भोज के लिए अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है. प्रभु all hopes is gone. सारी आशाएं जा चुकी हैं. In the world system, दुनिया के सिद्धांतों में. The whole world is insane. सारा संसार नाश हो रहा है. Is mad. वो पागल हो गया है. The governments are trying to destroy one another, Lord. सारा शासन तंत्र एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है. Killing and murdering and raping. लोग मार रहे हैं, हत्या और बलात्कार कर रहे हैं. The world is gone insane. संसार पूरी तरह से खत्म हो रहा है. How we thank you for the privilege. हम तुझे कैसे धन्यवाद दें इस सौभाग्य के लिए. हम आज तेरी आराधना कर सक रहे हैं. How we thank you, New York City. हम तुझे कैसे धन्यवाद दें इस न्यूयॉर्क शहर में. The melting pot. जो कि एक घुलता घमला है. Of different nationalities. विभिन्न राष्ट्रों का. come into freedom in New York. आजादी के साथ न्यूयॉर्क में आते हैं. What a spiritual type. क्या ही आत्मिक समान है. A little bride in Forest Hills. छोटी दुल्हन फॉरेस्ट हिल में. A melting pot. और कुलता घमला. All nations. जहाँ सारा राष्ट्र come here. आ सकता है. In freedom of worship. आजादी से आराधना करने को. The black, the white, the yellow, and the red. काला सफेद पीला और लाल. Can sit next to one another in the flesh. एक दूसरे के पास बैठे हुए शरीर में. Souls is the word of God. लेकिन उनका प्राण परमेश्वर का वचन है. वे शरीर को नहीं देखते, वे यीशु मसीह को देखते हैं. वो एक है जो हमें छुटकारा देता है उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा. और जो धन्यवाद देते हैं. हम तुझे प्रेम करते हैं. आज की सुबह हमारे फाटकों में परदेशियों को आशीष देना. आज की सुबह जो संगति के लिए आए हैं. भाई कर्ट को आज सुबह याद करते हैं. प्रभु उसके साथ हो ले. प्रभु से आशीष देना. उसकी मदद करना कि इस उम्र में चल फिर सके. बहन कॉर्नी के भाई को याद करते हैं. उसके मदद करना कि उसके मसूरों में सुनवाई दे. अब प्रभु तेरे सेवकों को आशीष दे. सारे लोगों पर बलपूर्वक उतरा. अगर कोई बीज है पहले से ठहराया हुआ जीवन के लिए, उन्हें देखिए उन्हें लपक कर संसार से निकाल दे. आज के दिन और वे अपने उद्धार को स्वीकार करें. वचन पर आशीष दे. पवित्र आत्मा को ढेल दे. तेरे वचन को साबित कर चिन्ह आश्चर्य कर्म और चमत्कार के साथ. हम ध्यान रखें कि तुझे आदर महिमा स्तुति देना न भूले. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. हम खड़े रहेंगे वचन पढ़ने के लिए. सेंट जॉन 1 और संत यूहन्ना उसका पहला अध्याय और जो निशान लगाना चाहते हैं. Ephesians 3. Ephesians 1, I'm sorry. माफ कीजिएगा. Ephesians 1 उसका तीसरा पद 10 तक. And First Peter the first chapter. और पहला पत्रस पहला अध्याय. Verse 18 through 25. 18 पद से 25 तक. Reading from Saint John 1. संत यूहन्ना उसका पहला अध्याय. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. The same was in the beginning with God. यही आदि से परमेश्वर के साथ था. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसमें उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई. In him was life, and the life was the light of men. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी. And the light shines in darkness, and the darkness comprehended it not. और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया. Ephesians the first chapter. Ephesians का पहला अध्याय. Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. According as he hath chosen us in him when before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों. Having predestinated us into the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. और उसकी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालकपन पुत्र हों. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें अपने प्यारे में सेवक में दिया. We have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के द्वारा अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ से हम पर बहुतायत सिद्ध किया. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताए जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था. That in the dispensation of fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ उस मसीह में एकत्र करे. And remember, याद रखें, वो वचन है, the Lord. प्रभु has come down on the earth, नीचे उतर कर आता है पृथ्वी के ऊपर ताकि तुम इकट्ठा करें कलीसिया से बाहर करके, दुनिया से बाहर करके वचन के अंदर। वे जो स्वर्ग में हैं shall be gathered on the earth also in him. उन्हें इकट्ठा किया जाए जो पृथ्वी पर है उसी में। What a message! क्या ही संदेश है। 1 Peter 1:18. पहला पत्रस उसका एक as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. और ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। God could just stay there. परमेश्वर आप थोड़ा रुक सकता था। But He manifested Himself for us. लेकिन उसने अपने आप को हम प्रकट किया। क्योंकि हम उसमें थे। प्रभु की स्तुति हो। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उस मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit. Unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. So, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति से निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाश बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। All flesh is as grass, and all the glory of man is the flower of the grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। And this is the word which by the gospel is preached unto you. May God bless the reading of this word. परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रभु इस बड़े वचन से आशीष दे। May be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Oh, we thank God to be here this morning. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के यहाँ होने के लिए। Want to greet all our visitors. हम परदेशियों के यहाँ अभिवादन करते हैं जो यहाँ परदेशी हैं। We have a family from Philadelphia that came up with David and Reina. परिवार है फिलाडेल्फिया से डेविड और रेना। Also there's a Mrs. Simas from the neighborhood. Happy she's here wherever she's at. Mrs. Simas उसके पास ही खुशी होने यहाँ पर हैं। And our brother Duffy's parents are here. We have to see them. भाई डफी के माता पिता यहाँ पर हैं। उन्हें देखकर हमें खुशी हुई। Friends, amen. हम सभी दोस्तों का अभिवादन करते हैं और परदेशी जो न्यूयॉर्क के आसपास से जैसे आए हैं। हम नहीं जानते कि आज सुबह क्या होने जा रहा है। हर कोई थोड़ा शांत बैठा है। क्या होने जा रहा है? बहुत समय से बेदारी हमारे पास है। मुझ पर पूरी तरह से वार हुआ गुरुवार रात को। और मैं निजी डॉक्टर के पास गया पेंसिल्वेनिया में। मैं समझता हूँ पिछले साल दिसंबर में और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि शरीर को तैयार करो और उसके बाद मैं उस छोटे देश में गया डॉक्टर के पास अपने शरीर को तैयार करने और वो परमेश्वर था। और जनवरी से लेकर अब तक मैंने उस काम को नहीं किया और मैं अपने शरीर को ठीक तरह से देख भी नहीं पाया और परमेश्वर सब समझता है। मेरा सारी पाचन क्रिया सब कुछ खत्म हो चुका था। पेट में प्रहार हुआ था। मैं बीमार होने पर ही था। मेरे पास बुधवार और रविवार को अपने पाठ को खत्म करने का लेकिन कुछ लोगों ने कबूलना शुरू किया। और वो सुबह उसमें से बहुत सारे बुधवार रात तो मुझे शक्ति दे रहा है इस सुबह। तो मैं जानता हूँ कि मेरा प्रचार व्यर्थ नहीं गया है। तो कोई तो दर्शन को पकड़ रहा है। So on the strength of these confessions, गवाही से जो मुझे बल मिल रहा है your faith in God. और जो शक्ति आपके विश्वास के परमेश्वर में है, मैं परमेश्वर में लगातार आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं लगभग 3 हफ्तों तक के आराम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे अपेक्षा रखता हूँ एक अच्छी कलीसिया का। तो ये घोषणा हुई थी कि भाई डेव यहाँ पर आ रहे हैं, भाई डेव मस्ग्रो ओक्लाहोमा से वो इंग्लैंड जा रहे हैं, वो यहाँ पर रुके हैं हमारे साथ छोटी संगति करने के लिए। तो प्रभु भोज अगले रविवार रात को नहीं होगा, ये सामान्य रविवार को होगा, पहले रविवार को महीने के। सो मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ बुधवार को कहूँगा। शुक्रवार की रात को हमारे पास एक प्रार्थना थी और बहुत ही सुस्त प्रार्थना थी, और कोई बोझ नहीं और कोई पीड़ा नहीं। लगभग 9 बजे ब्रदर जोई पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि शुक्रवार को उसे थोड़ा बोलने दो, परमेश्वर का मन जानता है कौन बोलेगा और कब। और वहाँ पर दान रखा हुआ था और उसे हफ्ते भर बोझ था, क्योंकि वहाँ पर कमी थी, स्वच्छता और कोई व्यवहार नहीं था। और वो फिर से बोलना चाहता था मरियम के ऊपर, और पवित्र आत्मा ने दान को लिया और शुक्रवार रात को हरेक को ताड़ना दी। और लगभग 9:30 बजे, और वो 7 बजे से पहले यहाँ पर थे, और उन्होंने 9:30 बजे प्रार्थना करना शुरू की पवित्र आत्मा के ताड़ना देने के बाद। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को पवित्र आत्मा के लिए, और भाई जोई के लिए जिन्होंने पवित्र आत्मा की ओर, प्रभु की ओर मोड़ा। और देखते हैं आप किस तरह से दान का उपयोग होता था। अगर वो पेंटिकॉस्ट होता तो कह रहा था, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरी कन्या और मेरे पुत्र तुम आशीष को पाओगे, तुम्हें ऐसा करना होगा। ये पेंटिकॉस्ट है, उसका दान वचन से है, तुम्हें उपदेश देने के लिए, तुम्हें ताड़ना देने के लिए, तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस घड़ी के संदेश के द्वारा। अब आप दान को देख सकते हैं, वचन क्या है, तुम्हें शक्ति देने के लिए है। वचन तुम्हें आशीष देगा मेरी कन्या, वचन तुझे आशीष देगा मेरे पुत्र, अगर तुम इन चीजों को करते हो जो मैंने तुम्हें कही है। लेकिन पेंटिकॉस्ट में तुम्हें कैसी भी आशीष मिलेगी, शैतान की जियो, लेकिन वचन के युग में ऐसा नहीं है, तुम्हें वचन के अनुसार आना होगा। हम धन्यवाद देते परमेश्वर को इन दानों के लिए, तुम्हें एक्साइट करने के लिए, हमें जगाया ताकि हम उस घड़ी को देख सके। मैं सेंट जॉर्ज अपने परमेश्वर को स्तुति देना चाहती हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके अच्छाइयों के लिए जो मेरे लिए है। और उसकी बुरी तरह से पैर की उंगली हड्डी टूट गई थी, उसके बाद उसने मुझे बुलाया और एक्सरे को लिया गया, और उसके ऊपर वो एक्सरे को लेना चाहते थे, लेकिन हमने प्रार्थना की और जब वापस चली गई उन्हें एक्सरे नहीं मिल सका। तो वे नए एक्सरे को लेना चाहते थे, और नए एक्सरे से उन्हें पट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ी। और परमेश्वर हड्डियों पर मंडरा रहा था, और इज़ेकियल की हड्डियों पर भी मंडरा सकता है, वो सूखी हड्डियों पर भी मंडरा सकता है। हमने बहन मिली के लिए प्रार्थना किया था, और उनके सुधार के लिए वो चिन्ह दिखा रही है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं सुबह बहुत थका हुआ था, मैंने कोई टिप्पणी भी वहाँ पर 8 बजे तक नहीं लिखी थी, मैं नहीं चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आप लोग थके हुए हैं पूरी तरह से। और एक नई किताब आई है, आपको बाद में दे दी जाएगी, और इसका शीर्षक है बिना मूल्य और बिना दाम। Right on the first page there, और वहाँ पर सीख पहले पन्ने पर blessing, और वो आशीष थी। He said if we live right, अगर हम सही जीते हैं, that doesn't mean that we are immune from trouble. इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे तकलीफों से मुक्त हो जाएंगे। It means that all troubles are directed our way. इसका मतलब है सारी तकलीफें हमारे रास्ते को निर्देशित करती हैं। Well, that kind of helped me this morning. Amen. और इस तरह से मुझे मदद मिली और बहुत सी पीड़ाओं का कारण नैतिक रूप से उचित है, लेकिन परमेश्वर उसे सारी बातों से छुड़ाता है। यही तो महिमा भरा भाग है। देखो, ये तो वचन है जो तुम्हें शक्ति देता है। आज की सुबह The Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा के लिए बोले जा रहे हैं। And so I thought this morning. So आज की सुबह मेरा विचार है। To speak on the blood. और मैं लहू के ऊपर बोलना चाहता हूँ। And Wednesday night don't forget. और बुधवार की रात को नहीं भूलना। Business meeting before. और छोटी सी यहाँ की सभा होगी नियमित सेवा के पहले। Oh yes, and also yesterday afternoon. और कल दोपहर के लिए भी धन्यवाद देते हैं। Thank and praise the Lord. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Our precious brother Ben over here. हमारे बहुमूल्य भाई बहन को यहाँ होने के लिए कितने लोग भाई बहन की सराहना करते हैं। Amen. Praise God. Many long years of service. बहुत वर्षों तक उन्होंने नौकरी की। Amen. We had a retirement appreciation dinner in his honor yesterday. और उनके आदर में सेवानिवृत्ति में हमें रात्रि भोज दिया। वो हमारे लिए आशीष था। And brother Ben delivered a beautiful little speech from his heart. और अपने हृदय से उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। Everybody. हर एक के हृदय को छू लिया। We appreciate our brother. हम भाई की सराहना करते हैं। God richly bless our brother. परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे और पवित्र आत्मा से भरे। Well, praise God. तो परमेश्वर की स्तुति हो। Well, I got a few quotes and things this morning. मुझे कुछ लेख और कुछ चीजें मिली आज की सुबह और थोड़ी सी शिक्षा। Little pastoral message. एक छोटा सा पास्टर का संदेश। Amen. Well, I have a thought this morning to leave with you. मेरा विचार है आज की सुबह आपके साथ रहते हुए। Predestination by predestination. पहले से ठहराए जाने के द्वारा प्रतिनिधित्व करना। Now speaking Wednesday night. हम बुधवार की रात को बोल रहे थे। Speaking about being born again. हम नए जन्म के बारे में बोल रहे थे। We're speaking about the new birth. हम नए जन्म के बारे में बोल रहे थे। Well, Nicodemus, one of those nighttime Christians. उसमें से एक समय रात्रि मसीहों के साथ दूर छिप गए थे अपने दोस्तों से, व्यवसायिक संबंधियों से, अपने संस्थाओं से छिप और छिप गए थे रात्रि के समय में ये जानने के लिए कि क्या है इस बारे में। और उन्हें यीशु को आते देखा। यीशु ने उससे कहा जब तक मनुष्य नया जन्म नहीं लेता वे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। फिर से जन्म, मनुष्य कैसे माँ के घर में फिर से जा सकता है? He said you have to be born of the water. उसने कहा तुम्हें जन्म लेना होगा पानी से, which is the word. जो कि वचन है, and the spirit. और आत्मा है, the word. और जो वचन है, the holy spirit. और पवित्र आत्मा है, born again. इससे तुम फिर से जन्म लेते हो। And we understand. और हम जानते हैं destination. पहले से ठहराए जाने के द्वारा। We understand. और हम समझ सकते हैं। The lamb was slain before the foundation of the world. मेमना घात हुआ दुनिया की नींव डालने से पहले। And we were attributes. हम उसके गुण थे। We are attributes. हम उसके गुण हैं। We are part of God's thinking. हम परमेश्वर के विचारों के भाग हैं। Before God was called God. इससे पहले कि परमेश्वर परमेश्वर बुलाया जाता। The eternal one. वो एक अनंत है। That dwelt alone. वो एक अकेला रहता था। And therefore we were in his thought. और उसके साथ ही के विचारों में थे। And he expressed the word. और उसने वचन को शब्दों में कहा। And the word is the logos. और वचन लोगोस कहा वह शब्द था और वो यीशु था। That was the word. वो वचन था। And that word was made flesh. और वचन देहधारी हुआ। Called Jesus Christ. यीशु मसीह कहलाया गया। We was in him. हम उसमें थे। Before the foundation of the world. दुनिया की नींव डालने से पहले। We was in him. हम उसमें थे। In the beginning. आदि में। When the word was expressed. जबकि वचन कहा जाता। Which is the word. और जो कि वचन था हमारी आत्मा और शब्दों में प्रकट किया आदि में। और इसके लिए जो कि नींव डालने से पहले थे और फिर से वो जन्म ले सकते हैं। कोई भी नया जन्म नहीं ले सकता है। तुम्हारे पास वो जीवन होना चाहिए, वो जीवाणु तुम्हारे प्राण में। Amen. We are three parts. हमारे पास तीन भाग हैं। Body, शरीर, soul, प्राण, spirit, आत्मा, and our bodies. हमारे शरीर में see, देखना, taste, चखना, feel, महसूस hear, करना, सुनना, smell, सूंघना, to contact the things on the earth. पृथ्वी की चीजों से संपर्क करने के लिए। And we have a supernatural part. और हमारे पास एक अलौकिक भाग है। Human spirits. अब मानवीय आत्मा। Imagination. कल्पना। Affection. विवेक। Conscience. स्मृति। Reasoning. तर्क वितर्क। Memory. और वो यादाश्त। लेकिन एक और भाग अंदर और अंदर वो प्राण है। आमीन। and you can still have a soul. और तुम्हारे पास अब भी वो प्राण है. A church member. और एक कलीसिया के सदस्य हो. In Buddha and Hindu. तुम विश्वास करते हो हिंदू और बुद्धा में और गड़बड़ियों में. You can also worship all kind of gods. और तुम सब तरह के देवता की आराधना कर सकते हो. That means nothing. इसका मतलब कुछ भी नहीं. Man is religious. क्योंकि मनुष्य धर्मी है. But the word people. लेकिन वचन के लोग. There's a seed. और वहाँ पर बीज है एक प्राण के अंदर. And the religious people, और धार्मिक लोग, denominational people, संस्थाओं के लोग, they don't understand you. वे तुम्हें नहीं समझ सकते. But you are the word, क्योंकि तुम वचन हो. Foundation of the world, दुनिया की नींव डालने से पहले. The seed, वो बीज, not you, तुम नहीं. The seed in your soul, वो बीज तुम्हारे प्राण के अंदर. One day will come to the word in your generation. तुम अपनी पीढ़ी में वचन के पास आते हो. How can we hear? हम कैसे सुन सकते हैं? If we have a preacher, जब तक हमारे पास प्रचारक न हो. How can we preach? हम कैसे प्रचार कर सकते हैं? Except to be sent, जब तक कोई भेजा न जाए. Amen. Praise God, amen. प्रभु की स्तुति हो. Amen. So therefore, you have to be born again. और तुम्हें फिर से जन्म लेना है. And when you are born again, और जब तुम जन्म लेते हो, when you are dead, और जब तुम मरते हो, and you are born, और जब तुम जन्म लेते हो, regenerated, फिर से पुनः शक्ति संचार, a new creature, एक नई सृष्टि, you are eternal, आप अनंत हैं, you have changed from a creature of time, आप समय की सृष्टि से बदल गए हैं, why you don't worry about the world, इसलिए तुम चिंता नहीं करते, and the things of the world, और दुनिया के बारे में, the fashion of the world passes away, दुनिया की फैशन टल जाएंगे, worry about things that are eternal. तुम चिंता करते हो उन बारे में जो अनंत है. तुम समय की शिष्य नहीं हो. ये चीजें तुम्हें परेशान नहीं करती हैं. तुम्हारा कोई इससे ताल्लुक भी नहीं है. यहाँ पर तुम्हारा ताल्लुक है विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति, भाईचारे की प्रीति, ओ प्रेम. Amen. Praise God. My, my. Thank you, Lord. My, my. I guess the people would say, my, what a noisy bunch. मैं सोच रहा हूँ लोग कह रहे होंगे क्या ही आवाज करने वाला झुंड है. What a same thing happened on the day of Pentecost. ठीक यही बात पेंटिकॉस्ट के दिन हुई थी. Amen. Amen. Here come Mary shouting. और यहाँ मरियम आती चिल्लाती नाचती महिमा और परमेश्वर की स्तुति हो. Praise God, amen. So therefore, they may call you holy roller. वे तुम्हें holy roller बुलाएंगे. But the Lord tells me to roll, I will roll. अगर परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए कहता है तो मैं करूँगा. Amen. Why? क्यों? I'm a creature of eternity. क्योंकि मैं अनंत काल की सृष्टि हूँ. Amen. Amen. You have changed from death into life. तुम बदल गए हो मृत्यु से जीवन में. The new birth is an experience. नया जन्म एक अनुभव है. Something has happened within you. कुछ तो तुम्हारे अंदर हुआ है. You're not the same no more. तुम पहले जैसे नहीं हो. The spirit that you was born with. आत्मा के साथ तुमने जन्म लिया. Born in sin. पाप में जन्म लिया. Shaped in iniquity. अधर्म में ढल गए. When you was born, you come to the earth speaking as a liar. तुम जब जन्म लिया, तुम पृथ्वी पर आए झूठों की तरह. That was the spirit in you. और ये ऐसा आत्मा तुम्हारे अंदर था, दुनिया का. Oh hallelujah. That spirit as you grew up. और उसी आत्मा में तुम ऊपर आए. When you become of age. और जब तुम उम्र में आए. Running around. यहाँ वह भागने की शुरुआत की. Doing all kind of things in the world. और दुनिया के सब तरह के कामों करते हुए. झूठ बोलना, सिगरेट पीना और सारी बातों करना. That's not sin. ये पाप नहीं है. That's the attributes of sin. ये पाप के गुण हैं. Amen. Amen. Because you are a sinner. क्योंकि तुम एक पापी हो. Because he doesn't condemn these sin for these things. परमेश्वर इन बातों के लिए तुम्हें दंड नहीं लगाता. Attributes of his nature. ये तो स्वभाव के गुण हैं. Amen. Because he's a sinner. क्योंकि वो पापी है. He does those things. वो चीजों को करता है. Praise God, amen. He condemns the Christians. वो दंड लगाता है जो मसीह कहलाते हैं. If they do those things. अगर वो इन बातों को करते हैं. Amen. Because you have a different nature. क्योंकि तुम्हारे पास एक अलग स्वभाव है. प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, सुभक्ति. Praise God. Amen. Praise His name. So if a Christian, अगर एक मसीह does these things, जब इन कामों को करता है, God has to judge him for these things, परमेश्वर इन चीजों के लिए दंड लगाता है, might not be condemned with the world, ताकि दुनिया के साथ वे दोषी नहीं ठहराए जाएं। He has to let down a whip, वो उनको ताड़ना देता है। As something takes place within you, कुछ तो आपके अंदर स्थान लेता है। The new birth is a revelation, नया जन्म एक प्रकाशन है, of Jesus Christ personally to you, यीशु मसीह का व्यक्तिगत तौर से आपके लिए, God has revealed to you this great mystery, परमेश्वर ने इस महान भेद को आप पर प्रकट किया है। The only way that you are saved is to know Him by revelation, एक ही मार्ग है उसे जानने का, वो है प्रकाशन। Amen. One day Jesus said to His disciples, एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, men say I, लोग क्या कहते हैं मुझ? The Son of Man am. मनुष्य के पुत्र को। Now watch Jesus. इसे देखें। Take his disciples. यीशु अपने चेलों को लेता है। Away from man. मनुष्य से दूर। So his disciples said. तो उसके चेलों ने कहा। I don't know who you are. वे नहीं जानते कि तुम कौन हो। Thank you John the Baptist. कोई सोचता है कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो? कोई भविष्यवक्ता कहता है? वे नहीं जानते। Flesh and blood does not know. उसने कहा मांस और लोग ये नहीं जानते। You can't get it in a seminary. तुम्हें ये विचार गोष्ठी में नहीं मिल सकता। तुम यहाँ वहाँ जा सकते हो। Flesh and blood cannot reveal it to you. और मांस और लोग तुम पर प्रकट नहीं कर सकते। He said, my Father in heaven. उसने कहा मेरा पिता जो स्वर्ग में है, reveal to you. तुमको प्रकट करता है। Who I, the Son of Man am. मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? Flesh and blood cannot reveal it to you. मांस और लोग तुम पर प्रकट नहीं करता। Upon the rock, इस चट्टान के ऊपर, revelation, और प्रकाशन पर, build my church, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And the gates of hell, और नरक के फाटक, not prevail against it, कभी भी प्रबल नहीं होंगे। Amen. आमीन। Oh, hallelujah, praise God. Amen. My, see, you had amnesia. देखो तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी जब तुमने जन्म लिया था। God called you. लेकिन जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, तुम जाग गए। Some of you were hippies. तुम में से कुछ लटकते बाल वाले थे और पृथ्वी की गंदगी। लेकिन तुम जाग उठे। Father called you. लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया। Something happened within you. कुछ तो तुम्हारे अंदर हुआ है। आमीन। महिमा। What am I doing around here in the world? मैं इस दुनिया में इधर उधर क्या कर रहा हूँ? Go back to my father's house. मुझे पिता के घर में वापस जाना है। In my father's house. और मेरे पिता के घर में और बहुत से रहने के स्थान हैं। अगर नहीं है तो मैं तुमसे कहता हूँ, मैं एक स्थान तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। उसमें से बाहर आओ मेरे लोगों, दुनिया में से बाहर आओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उसमें से बाहर आओ। परमेश्वर तुम्हें आज बुला रहा है। मैं नहीं जानता, परवाह नहीं करता तुम कौन हो। या कलीसिया के सदस्य हो, लेकिन परमेश्वर बुला रहे परमेश्वर के बच्चों को। आओ 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 आओ, पानी के पास आओ। Praise God, amen. Thank you, Jesus. God, amen. Praise God, amen. Sons of God are shouting for joy. परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्ला रहे हैं। Amen. So you had amnesia. देखो तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। And you woke up. और तुम जाग उठे। And you see where you are. तुमने देखा कि मैं कहाँ हूँ। You see who you are. तुमने देखा कि मैं कौन हूँ। You forgot that you was with Him. देखा तुम भूल गए थे कि तुम उसमें थे। Before the foundation of the world. और दुनिया की नींव डालने से पहले। His church is Himself. और उसकी कलीसिया अपने आप में। Revealed. प्रकट किया। Expressed by the word. अपने वचन को शब्दों में बताया। अपने आप को हर एक पीढ़ी में। A messenger comes forward. एक संदेशता आगे आता है। वो वचन को प्रकट करता है। और जो कि तुम हो। That's your name. और तुम्हारा नाम है। And you come to it. और तुम उसके पास आते हो। That's Himself. और वो अपने आप को express. प्रकट करता है तुम में से होकर। You are the church. और तुम वो कलीसिया हो। You are Mrs. Jesus Christ. तुम श्रीमती यीशु मसीह हो। Baptized in His name. तुमने उसके नाम से बपतिस्मा लिया है। आमीन। Not Father, Son, Holy Ghost. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं। That's no name. ये कोई नाम नहीं है। Title. ये तो तीन शीर्षक है। I'm a father. मैं एक पिता हूँ। I'm also a son. मैं एक पुत्र भी हूँ। I'm a husband. मैं एक पति हूँ। My name. लेकिन मेरा नाम जोसेफ कोलमैन है। Amen. In the name of the Lord. और परमेश्वर का नाम is a strong tower. और ऊंचा गढ़ है. The Lord. प्रभु. Jesus. यीशु. मसीह. The Lord. प्रभु. The pillar of fire. आपका खंभा. Amen. Jehovah. यहोवा. The Lord. प्रभु. Jesus. यीशु. God manifested. प्रभु प्रकट हुआ. Christ. मसीह होली गॉड पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह Hear, O Israel. इजराइल सुनो. The Lord thy God is one. प्रभु तेरा परमेश्वर एक है. Not three gods. तीन परमेश्वर नहीं. एक परमेश्वर. One faith. एक विश्वास. One Lord. एक प्रभु. One baptism. एक बपतिस्मा. One Father. एक पिता. One God. एक परमेश्वर. Praise. Amen. Praise God. Yes, sir. My. Thank you, Jesus. Saint John 1:1-3. पहला यूना 1 से लेकर 3. In the beginning was the word. आदि में वचन था. And the word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था. And the word was God. और वचन परमेश्वर था. In him was life. और उसमें जीवन था. And the life in him. और जीवन जो उसमें था. Which is the word. जो कि वचन था. Which is the germ. जो कि जीवाणु था. The gene of God. जो कि परमेश्वर का तत्व था. Was the life. और वो जीवन था. Life was the light of men. और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी. Because the word is light. क्योंकि वचन ज्योति है. I am the light of the world. उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ. ये वचन है जो कि जीवन है. तो जीवन सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है और प्रमाणित होता है. और जीवन सिर्फ वचन से आता है और प्रमाणित करता है. मस्ट बी अ मैनिफेस्टेशन. और वहाँ पर प्रमाणित होना है स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन का. एंड व्हेन यू सी स्पिरिचुअल लाइफ, और जब तुम आत्मिक जीवन को देखते हो, लाइट ऑन द वर्ड, ये वचन पर उजाला है. And spiritual life, और आत्मिक जीवन is eternal life. वो अनंत जीवन है. It can only come by God's spoken word. ये सिर्फ परमेश्वर के कहे वचन से आता है. God said, "Let there be light." और वहाँ परमेश्वर कहता है उजाला होने दो. और पवित्र आत्मा rooted over the word, वचन पर मंडरा रहा था. That was a word seed. और जो कि वचन बीज है, will come out of his mouth. जो कुछ उसके मुंह से आता है, anything come out of his mouth, जो कुछ उसके मुंह से आता है, has to come to pass. उसे वहाँ पर पूरा होना ही है. Let there be light. वहाँ पर उजाला होने दो. The Holy Spirit brooded over the word seed. और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था वचन बीज के ऊपर. And there was light. और वहाँ पर उजाला था. Because he said so. क्योंकि उसने ऐसा कहा था. Let there be a church in New York City. वहाँ पर एक कलीसिया होने दो न्यूयॉर्क शहर में. पवित्र आत्मा brooded over you. और मंडरा रहा था आपके ऊपर. और आप यहाँ पर हैं. Shouting and praising. चिल्लाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते. You are the spoken word of life. आप लोग कहे हुए वचन के जीवन है. It's the only way that life can come. यही वो रास्ता है जिसमें से जीवन आ सकता है. Through the spoken word. ये कहे हुए वचन में से होकर अपने समय में. In your generation. आपकी पीढ़ी में. You are the creative spoken word of the original. Hallelujah. तुम उसके कहे वचन की मूल सृष्टि हो. Predestinated. और पहले से ठहराया जाना. And your light. और आप उजाला है. अंधेरों में स्थानों में चमकते हैं. And they comprehended not. और वो पूरी तरह से नहीं समझ सकते. They don't understand it. वे समझ नहीं सकते. But you do. लेकिन तुम जानते हो. क्यों? Because you were from the beginning. क्योंकि आप आदि से हैं. When he come forth. जब वे आए. You come forth. तुम आए. Praise God, amen. Nay, praise God. Not only did he say, "I am the light of the world." और उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ. I am the light. मैं जीवन हूँ. He said, "Ye are the light also." उसने कहा तुम भी ज्योति हो. Which is the light. जो कि जीवन है. Which is the word of God. जो कि परमेश्वर का वचन है. From before the foundation of the world. और जगत की नींव डालने से पहले. And in the beginning. और आदि में. And from the beginning. और आदि से. Here's God's divine order. यहाँ पर परमेश्वर की दैवीय व्यवस्था है. और पूरे ज्ञान. Election. चुनना. Predestination. पहले से ठहराया जाना. Foreknowledge. पूरे ज्ञान determines the election. के द्वारा है चुनना. Predestination. पहले से ठहराया जाना. The bringing the path of the elect. चुने हुए को लेकर आता है. The foreknown. पहले से जाना हुआ. Are elected. चुना हुआ है. And the elected. और चुना हुआ. Predestinated. पहले से ठहराया गया है. So God. तो परमेश्वर. Foreknowledge. उसके पूर्व ज्ञान में. He knew you. वो आपको जानता है. Amen. He knew every church member. वो हर एक कलीसिया के सदस्य को जानता है. Amen. He knew all about the beast. और वो सारे पशु को जानता है and a world harlot system. और दुनिया की सिद्धांतों के बारे में He knew that the devil would be loose on this earth. वो जानता है कि पृथ्वी पर शैतान छोड़ा जाएगा. But he knew he would have a word crown. लेकिन वो जानता है कि वचन रूपी दुल्हन है to stand. वो जो खड़ी रहती है testimony. गवाही के समान foreknowledge. और अपने पूरे ज्ञान में से foresaw you. और उसने देखा पहले से तुम्हें जैसा कि तुम हो सफेद काला पीला लाल उसने पहले से तुम्हें देखा आराधना करते संगीत करते चिल्लाते परमेश्वर की स्तुति करते धन्यवाद प्रभु ओह माय 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 थैंक यू जीसस आमीन Praise God, amen. In Saint Luke 22, Saint Luke का 22 अध्याय 19 और 20 पद I take the Lord's Supper. तैयारी करते हुए प्रभु भोज की He said, "This cup is the New Testament." वो कहता है ये प्याला नया करार है In my blood. मेरे लहू में The New Testament. नया करार Amen. आमीन The cup of suffering. ये प्याला है दुखों का Suffer now. जो आप उठा रहे हैं Against your family, अपने परिवार के विरोध में और अपने दोस्तों के और जो आपके साथ काम करते हुए आपके मित्र आपको वे नहीं समझ सकते एक नया मार्ग है जीने का एक धर्म नहीं है यहूदी के पास धर्म था He comes to take his elected one. वो आता है अपने चुने हुए लोगों को लेने 17 याकूब और यूहन्ना out of the religion. धर्म से बाहर निकाले हुए which is a Jewish religion. जो कि यहूदियों का धर्म था But can we drink the cup? क्या हम उस प्याले को ले सकते हैं जो कि एक दुख का बपतिस्मा है a way of life. It was connected. पाप से जीने का मार्ग था और अपने परिवार से जुड़े था यहाँ पर एक छोटा व्यक्ति आता है और दाढ़ी के साथ एक लंबे वस्त्र और वो बीमारों को चंगाई देता है और दुष्टात्मा को निकालता है चिन्ह और चमत्कार करता हुआ और यहाँ पर एक याजक खड़ा है जो मुख्य रबी है और साधुसी वो वकील और यहाँ पर आता एक छोटा नम्र व्यक्ति और एक छोटा सा गलीली वो वचन है यहाँ वो आता है Walking into a religious system. धार्मिक सिद्धांतों में चलते हुए calling his elected. चुने हुए को बुलाता है Come and see. आकर देखो Come and see. आकर देखो Don't criticize. और उसकी निंदा मत करो Don't talk about it. उसके बारे में मत कहो Come and see. आकर देखो Amen. Praise God. So Peter and James and John. और पतरस याकूब और यूहन्ना had to be separated. उन्हें अलग होना ही था from their mothers. अपने माँ से फादर अपने माता पिता से अपने सिद्धांतों से cousins. अपने चचेरों से और अंकल और आंटी से elected, predestinated. और चुने गए पहले से ठहराए गए Salvation was of the Jews. उद्धार यहूदियों का था We have salvation. हमारे पास उद्धार है We have education. हमारे पास पढ़ाई लिखाई है Learned people around. हम सबसे समझ वाले लोग हैं Praise God, we are from America. और हम अमेरिका से हैं We're blessed on the earth. हम पृथ्वी पर सबसे आशीषित लोग हैं But here come the word. लेकिन यहाँ पर वचन आता है Amen. आमीन Glory. ओ महिमा ओ Here come the word. यहाँ पर वचन आता है Come out of that system. उन सिद्धांतों में से बाहर आओ Amen. Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन चिंतित न हो You believe in God. तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तुम युवा पर विश्वास करते हो तुम रवि पर विश्वास करते हो तुम अपने महायाजक पर विश्वास करते हो मुझ पर भी विश्वास करो I am the word. मैं वचन हूँ Oh Philip, have you been so long with me? You तुम मेरे साथ लंबे समय से रहते हो और नहीं जानते कि मैं कौन हूँ You see me. अगर तुम मुझे देखते हो see the Father. तुम पिता को देखते हो I am the Father. मैं पिता हूँ I am the Word. मैं वचन हूँ Manifested. और प्रमाणित हुआ I come for you. मैं तुम्हारे लिए आया हूँ पतरस याकूब यूहन्ना मरियम I'm coming for you. मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और अपने आप को अलग करो अपने सिद्धांतों से वचन में आ जाओ हालेलुया you see who you are? क्या तुमने देखा कि तुम कौन हो? We all know that America हम जानते हैं कि अमेरिका is the anti-type of Israel. और विरोधी के समान है. God bless Israel. परमेश्वर ने इजराइल को आशीषित किया. God blesses America. और परमेश्वर ने अमेरिका को आशीषित किया. हम ये जानते हैं. On the Jewish holidays, यहूदी की छुट्टियों में the sun shines. सूरज चमकता है. And all the Gentiles get mad and make jokes and things about it. और सारे अन्य जाति पागल हो जाते हैं और उनकी मजाक उड़ाते हैं. They are jealous of the Jews. और उनसे जलते हैं. Amen. You are spiritual Jews. और आप लोग आत्मिक यहूदी हैं. Jealous. वे चलते हैं. The blessing of God is with you. और परमेश्वर की आशीष तुम्हारे साथ है. So we understand that. आप इसे समझ सकते हैं. As Israel had David. और इजराइल के पास दाऊद था. We had George Washington. हमारे पास जॉर्ज वाशिंगटन था. Israel had Solomon. इजराइल के पास सोलोमन था. We had Abraham Lincoln. हमारे पास इब्राहिम लिंकन था. But Israel got caught up in a Jezebel system. लेकिन इजराइल पकड़ा गया इजराइल के सिद्धांतों में और धार्मिक सिद्धांतों में. और यहाँ पर एलिया आता है, उन चीजों को विस्फोट करता है. और हम अमेरिका में आते हैं. और पूर्व पिता आपके जो यूरोप से कहीं धार्मिक कैथोलिक सिद्धांत, और एक नई दुनिया को चाहते थे, आजाद दुनिया को, जो कि यूरोप के सिद्धांतों से दूर. और एक नई दुनिया में आ गए. और बहुत समय तक परमेश्वर पर विश्वास किया, इजाबेल के सिद्धांतों से दूर रहे. God bless this country. परमेश्वर ने देश को आशीषित किया. Amen. And Abraham Lincoln knew it. और इब्राहिम लिंकन जानता था. But then we know about John Booth. हम इसके बाद जानते हैं जॉन बूथ. Mary Surratt in Washington D.C. Mary Surratt Washington D.C. से conspiracy with Rome. उसके बारे में जानते हैं. और उन्होंने षड्यंत्र रचा. वे इब्राहिम लिंकन को मारना चाहते थे. और पिता चीन गए कनाडा से. Abraham Lincoln tried to stop it. और इब्राहिम लिंकन उसे रोकना चाहते थे. But the Catholic system moved in anyway. लेकिन कैथोलिक सिद्धांत किसी तरह से आगे बढ़ गए. लेकिन बाद में प्रोग्रेसिव ने इसे पकड़ा 1928 में. और उन्होंने अल स्मिथ के लिए परीक्षा को रखा, ये देखने के लिए कि राष्ट्रपति बन सके. कैथोलिक सिद्धांत थे. लेकिन कुछ भी हो, पाप अमेरिका में आ गया था. और अंत में राष्ट्रपति कैनेडी को वहाँ पर सियासन में बैठा दिया गया. और लगभग उसी समय जब इजराइल सुल्तान आया, या एलिया का आत्मा आता है. यहाँ पर एलिया का आत्मा आता है. विलियम मैरियम ब्रैनम यहाँ पर किस बात के लिए वो है? और मनुष्य के पुत्र को प्रकट करने के लिए, अमेरिकन रिलीजियस सिस्टम वापस जाने के लिए अमेरिका के धार्मिक सिद्धांतों में, विश्व व्यापी संगठन और फरीसी साधुसी संस्थाएं वचन यीशु और संस्था को ताड़ना देता है. और बच्चों को बाहर बुलाया, जो आज भी कर रहा है. और संस्थाएं बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और जो कुछ भी वे हैं, वचन और संदातों को ताड़ना दी और बच्चों को बाहर बुलाया. आप आजाद हैं. जिसे मनुष्य का पुत्र आजाद करता है, वो सदा के लिए आजाद है. So to the strangers, जो परदेसी हैं, to our friends, जो हमारे मित्र हैं, free, हम आजाद हैं. Religious world system, दुनिया के सिद्धांतों से. Glory, we are the children of the kingdom. हम राजा के बच्चे हैं. We are shouting, हम चिल्लाते हैं. We are the life, हमारे पास जीवन है. We are the light, हमारे पास ज्योति है. We're not going to hide under a bushel, हमें ढकी हुई चीजों पर नहीं छुपाया जाएगा. हम चमकने जा रहे हैं. Your light shine, और तुम्हारा उजाला चमकने दो. Glory. Yes. We have to go through persecution. हमें उन परेशानियों में से होकर जाना है. हमारा परिवार इस बात को नहीं समझ सकता, कोई भी इसे नहीं समझ सकता. लेकिन अब भी अभी तुम्हारे पास सामर्थ्य है तुम्हारे परिवारों के लिए. फिक्र मत करो. और जब कैलिफोर्निया डूबेगा, देखना अपने परिवार को दौड़ते हुए आएंगे. तुम्हारे पास आएंगे. हमें बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और तुम्हारा लेपालापन होगा. और वहाँ पर खड़े होंगे। सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास इसको है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। कहा हुआ वचन शब्द, अपने परिवारों के लिए खड़े हो जाओ, अपने आप को अलग करो। महिमा महिमा, खड़े हो जाओ। Oh, hallelujah. Amen. This cup is a New Testament. ये प्याला नया करार है। In my blood, मेरे लहू में shed for you, जो कि तुम्हारे लिए बहा गया है। तुम नया करार हो। यहाँ पर 7 कलीसिया काल है, ये सब यहाँ है। That comes from the apostolic church. ये प्रेरितों के कलीसिया से आते हैं, बिल्कुल ठीक हमारे समय तक। The book, और किताब, book of redemption, सरकारी किताब, holds the mystery, और भेदों को पकड़ रखा है, of the 7 church ages, 7 कलीसिया कालों के। For the blood is the New Testament. लहू के लिए जो नया करार है। And you cannot have a New Testament without a testator. Somebody's got to die. And shed their blood. That blood is the New Testament. Amen. You are the blood. तुम वो लहू हो। Because the blood is the life. क्योंकि लहू जीवन है। And life is the light. और जीवन ज्योति है। My. Praise God. This book. ये किताब doesn't say each person's name in here. यहाँ पर हर एक का नाम लेकर नहीं बुलाती। What the mystery of the book is. लेकिन जो रहस्य इस किताब में है, when it calls the names in here, आपके नाम को बुलाती है। This book doesn't say. ये किताब ये नहीं कहती। Leavell, Armin Neville is to be saved in the time of this church age. इस समय में बच जाएंगे इन कलीसिया कालों में। It just shows the mystery. और ये सिर्फ भेदों को दिखाती है। Unfolds the mystery of what the thing is. भेदों खोलती है जो भी बात होती है। And it is Christ is the mystery. और वो है मसीही भेद है। Of the 7 thunders. 7 गर्जन का। On the back part of the book. किताब के पिछले भाग पर। That's your name. यही आपका नाम है। The word is your name. वचन तुम्हारा नाम है। The name is called the word of God. जो नाम बुलाया गया परमेश्वर का वचन है। It flashes to you. जो तुम पर चमका है। The church is the blood. और कलीसिया जो लहू है। Of Jesus Christ. यीशु मसीह का। By the Spirit. आत्मा के द्वारा। Because the life is in the blood. क्योंकि जीवन लहू में है। That's the baptism of the Holy Ghost. यही तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। That baptizes you into the body. जो कि तुम्हें देह में बपतिस्मा देता है। You recognize your word. तुम अपने वचन को पहचानने लगते हो। The bride is predestinated. और दुल्हन पहले से ठहराई गई है। To be baptized. और बपतिस्मे के लिए। With the Holy Ghost and fire. पवित्र आत्मा और आग के साथ। Amen. Oh my, the book of redemption. और छुटकारे की किताब, that's what it come for. जिसके लिए वो आया है। नया करार is the book of redemption. छुटकारे की किताब है। Praise the Lord. And when the blood it reveals your name. और जब लहू तुम्हारे नाम को प्रकट करता है, then you are begotten. तब आप उत्पन्न होते हैं। Like in the mother. जैसे माँ के गर्भ में। When germ and egg comes together. और जब जीवाणु और अंडा मिल जाता है, baby is begotten. वहाँ बच्चा उत्पन्न होता है। Is in the mother. और माँ में होता है। Has a life. ये एक जीवन होता है। Hasn't received the spirit yet. लेकिन अब तक आत्मा नहीं मिला है। But it's the blood of his father. लेकिन ये लहू है उसके पिता का। The nature is in there. और उसका स्वभाव उसमें है। And hears the word. ये वचन को सुनता है। ये अलग होता है। Is begotten. ये उत्पन्न हो गया है। And the devil can't stop it. और शैतान इसे नहीं रोक सकता है। Coming on. वो आ रहा है। Coming on. वो आ रहा है। Moving. वो आगे बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है। Amen. To heaven. और पीड़ा को सह रहा है। Going to be born. वो जन्म लेने जा रहा है। Hallelujah. Praise God. और प्रभु की स्तुति हो। And just before it's born, उससे पहले कि वो जन्म ले, the water breaks, और पानी आता है, the blood comes, और लहू आता है, the life comes in, उसके बाद जीवन आता है पेनहरिस में, और ये समय है पवित्र आत्मा के नए बपतिस्मे का। Thank you Lord. और धन्यवाद प्रभु। Then when the spirit comes, और जब आत्मा आता है, then it's born, वे जन्म लेता है, begotten by the blood, लहू के द्वारा उत्पन्न हुआ, sanctification, पवित्रता। I want to drive it in there now. अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम पवित्र होते हो, तुम साबित करते हो कि तुम लहू को ले रहे हो। Let me say it again. मुझे इसे फिर से कहने दो। Until you are sanctified, तुम तब तक पवित्र नहीं होते हो। You have not received the blood. तुमने अगर लहू को ग्रहण नहीं किया, वो जीवन, वो वचन, इस युग का संदेश। Then when you receive the blood, और जब तुम ग्रहण करते हो, your new spirit, और नया आत्मा बदल जाता है। तुम्हारे पास नया आत्मा है, तुम सचमुच पवित्र हो जाते हो। Then you're ready for the Holy Ghost. और तुम तैयार हो पवित्र आत्मा के लिए। hope you got it. मैं आशा करता तुमने ले लिया है. Sanctified. जब तक तुम पवित्र नहीं होते हो, not begotten yet. ये अब तक उत्पन्न नहीं हुआ है. You're in a justified state. तुम धर्मीकरण की अवस्था में हो. In and out and off and अंदर और बाहर और ऊपर और नीचे. Once it thunders. लेकिन एक बार गर्जना है. Once the germ. एक बार जीवाणु. Takes hold. और पकड़ लेते हैं. In the soul. और प्राण में. You're changed. तुम बदल जाते हो. You sanctify yourself. तुम अपने आप को पवित्र करते हो. तुम्हारे पास सामर्थ्य है शरीर के ऊपर. तो आज वो हो सकता है अगर तुम सचमुच विश्वास करते हो, अगर तुम राजा के बच्चे हो. Oh my, praise God. My, 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 my. Oh, I think I'm going to close out here. मैं सोचता हूँ कि मैं बंद करने जा रहा हूँ. मैं कुछ बातों को पढ़ने जाता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा. मसीह की दुल्हन का अदृश्य मिला. बाब 2:15 और पृष्ठ 39. अब ध्यान दें. लेकिन तुम उस विवाह में जा रहे हो जो आकाश में होने जा रहा है, और तुमने से पहले से ठहराई हुई अंगूठी को पहन रखा है. अस्तरानी अनुग्रह, a wedding band of grace, और विवाह की अंगूठी अनुग्रह की, unmerited of your own, अपने आप में असरानीय. God did it himself. इस परमेश्वर ने अपने आप में किया. Before the foundation of the world, वो तुम्हें पृथ्वी की नींव डालने से पहले जानता है. So he slipped the wedding band on you there. और सो परमेश्वर ने तुम्हें विवाह की अंगूठी वही पहना ली. Your name on the book. और तुम्हारे नाम को किताब में रखा. क्या ही धन्यवाद देना है. What a joy. क्या ही आनंद है. To know that I have a hope beyond this world. ये जानकर कि मेरे पास इस दुनिया में एक आशा है. इस गंदी दुनिया में I have a hope beyond this world. मेरे पास एक आशा है गंदी दुनिया के उस पार. मैं धन्यवाद देता परमेश्वर का. मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा. महिमा. Hallelujah. Oh my, my, my. Glory. Think on it, friends. इसके बारे में सोचो दोस्तों. लगभग 5 मिनट और फिर. Now, here's a great question. अब यहाँ पर एक सवाल है. Is the Lamb's Book of Life? मेमने की जीवन की किताब. Is the Lamb's Book of Life? मेमने की जीवन की किताब. The same as the Book of Life. उसी के समान है जो जीवन की किताब है. Two different books. क्या ये दो अलग किताबें हैं? There's only one book. क्या एक ही किताब है? All life is in a book. सारा जीवन एक किताब में है. Only one group. वहाँ पर केवल एक ही झुंड है. यह पशु है. Denominational group. संस्थागत झुंड. In the world system. और ये दुनियाई सिद्धांत. I don't have time to read it. मेरे पास समय नहीं है इसे पढ़ने का. Revelation 13:8. लेकिन ये प्रकाशित 13:8 है. All whose name. और जिनके नाम. Not found written in the book. किताब में नहीं लिखे पाए गए. वे पशु की आराधना करेंगे. और दुनियाई सिद्धांतों की. Their names is not in the book. क्योंकि उनके नाम किताब में नहीं है. It never was there. वे वहाँ पर नहीं थे. Like Pharaoh. वो फिरौन के जैसे हैं. His name wasn't in the book. उसका नाम किताब में नहीं था. God raised them up. परमेश्वर ने उसे खड़ा किया. His people out. ताकि वे अपने लोगों को बाहर निकाल सके. Amen. And God raised up the beast. और परमेश्वर ने पशु को ऊपर लिया. पशु के सिद्धांत को. Praise God. Amen. Their names is not in the book. उनके नाम पुस्तक में नहीं है. My praise God. Now the book. अब वो किताब. There's the book of natural life. वहाँ पर स्वाभाविक जीवन की किताब है. All it is not the circumcision. वे सारे जो शर्म के बीज नहीं हैं. Their life is put, their name is put in the book. उनका नाम किताब में डाला गया है. Everybody born on this earth. और जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वे शर्म बीज नहीं है. तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है. Now, अब they can walk into a meeting. अब वो सभा में चलकर आ सकते हैं. They hear the gospel. और सुसमाचार को सुनते हैं. They don't repent. और वे पश्चाताप नहीं करते. They take their names out. उनके नामों को निकाल देते हैं. वो बंद हो जाती है. And one time the 70. और एक बार 70 में परमेश्वर ने सामर्थ दी. Over the devils. शैतानों के ऊपर. They was happy. और वे सब खुश थे. He said, don't rejoice because you have power over the devils. उसने कहा कि आनंद मनाओ क्योंकि शैतानों के ऊपर तुम्हारे पास सामर्थ है. आनंद मनाओ कि तुम्हारा नाम उस स्वर्ग में लिखा है. Praise God. So they are not two books. और यहाँ पर दो किताबें नहीं हैं. The book is the book of life. मेमने किताब ही जीवन की किताब है. Catch what I'm saying now. पकड़ो उसे जो मैं कह रहा हूँ. Book of life. मैंने कहा जीवन की किताब. All natural life. सारा स्वाभाविक जीवन. In the natural life. अब स्वाभाविक जीवन में. In the book. किताब में. The best way to explain it. अच्छा तरीका इसे समझाने का. वो बीज है. Is the wheat plant. वो गेहूँ का पौधा है. The corn of wheat. गेहूँ का दाना. That's eternal. वो अनंत है. Amen. It goes in the ground. वो जमीन में जाता है. Up comes a blade. ऊपर एक टहनी आती है. Lutheran. उसके बाद डाली आती है मेथोडिस्ट, उसके बाद भूसी पेंटिकॉस्ट। That is part of the seed. ये बीज का एक भाग है। It is not the seed. ये बीज नहीं है। That's the church. यही कलीसिया है। That's the church member. यही कलीसिया के सदस्य हैं। Amen. My. There's a seed life. वहाँ पर बीज का जीवन है। That's the word life. वही वचन का जीवन है। There's a plant life. यहाँ पर जीवन का पौधा है। That's church life. ये कलीसिया का जीवन है। Go to church. कलीसिया में जाओ। Do something good. कुछ अच्छा करो। Amen. But they're not born again. लेकिन वो दोबारा जन्म पाए हुए नहीं है। वो विश्वासी हैं, वे मानवी हैं और दुनियाई हैं, लेकिन फिर से दोबारा जन्म पाए हुए नहीं है। वहाँ पर बीज नहीं है। उनके पास जीवन होता अगर वे उसे नहीं ठुकराते। Now you have four groups. अब तुम्हारे पास चार झुंड हैं। You have the bride. तुम्हारे पास दुल्हन है, which is the seed. जो कि बीज है, that's the weak plant. जो कि गेहूं का पौधा है। Then you have the foolish virgin. बाद में तुम्हारे पास एक मूर्ख कुंवारियां हैं। Good people. वे पवित्र हुई हैं, अच्छे लोग। And many of these denominations and born again folks. इसमें से बहुत इन संस्थाओं से फिर से जन्म पाए हुए हैं। If you're born again, अगर तुम फिर से जन्म पाए हुए हो, तुम बच्चों के पास आओगे। Amen. So they go on television. और वे टेलीविजन पे जाते हैं। Long hair and look like I don't know what. लंबे बाल ऐसे दिखते हैं, नहीं जानता किस तरह से, और वे जन्म पाए हुए हैं और वे उसे जन्म पाया बुलाते हैं। But they're good people. और वे अच्छे लोग हैं। And they're being deceived. और वे भरमाए गए हैं। By the 700 Club. 700 क्लब के द्वारा। PTO. और PTO के द्वारा। और ऑल रॉबर्ट, बिली ग्राम। They have received a lie. उन्होंने झूठ को अपनाया है। That they can live worldly in the world. इसलिए वे दुनिया की गंदों की तरह जी सकते हैं। और अब भी यीशु है? नहीं। You gotta suffer. तुमने से इसमें से होकर जाना है। तुम्हें वहाँ से बाहर आना है। अलग हो जाओ। That's a lie of the devil. ये शैतान का झूठ है। Amen. Glory. Hallelujah. So they have no spirit. So उनके पास आत्मा नहीं है। They have no oil in their lamp. उनके पास तेल नहीं है उनके दियों में। The lamp is the word. दिया वो परमेश्वर का वचन है। That's Jesus. वे यीशु को दावा करते हैं। And they even believe in the rapture. और वे अब भी रैप्चर पर विश्वास करते हैं। But all their worldly clothes. और आगे आते हैं दुनिया कपड़ों के साथ। All their things of the world. और सारी दुनिया की चीजें। The word of life. जीवन के वचन के साथ। वो दिया, लेकिन उनके दियों में तेल नहीं है। मेरे दिए में वो तेल दे दो। आज वो दिए में तेल दे दो और मुझे चलने दो। हम होशाना गाएंगे। Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Praise God. एक प्रभु की स्तुति हो। हाँ। Praise God, amen. Now. Praise God, amen. My. Do you know what's going on in New York? क्या तुम जानते हो न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है? We're leaving the 99. हम 99 को छोड़ रहे हैं। We're going after the one. हम एक के पीछे जा रहे हैं। My message has changed. मेरा संदेश बदल चुका है। Predestinated. पहले से ठहरे हुए बीज को ले लो। Glory. महिमा। We'll do the teaching on Wednesday. हम बुधवार को शिक्षा को लेंगे। लेकिन आज सुबह हम प्राणों के पीछे जा रहे हैं। उद्धार। आत्मज्ञान के तैयार। जो प्यासे वो आए, जो सुनता है वो आए, जो भी वो सुनता है वो आज आए। मान प्रभु की स्तुति हो। आमीन। यहाँ पर हम जल्दी करेंगे। दुल्हन और बीच का जीवन। Then there's the foolish virgins. उसके बाद वहाँ मूर्ख कुंवारियाँ. They never get born again. फिर से जन्म नहीं मिलता है. And they start way back at Ephesus. और शुरुआत करते हैं इफिसस में जाने की. लेकिन उन्हें आत्मा नहीं मिलता है. वे स्वाभाविक लोग हैं. Always natural. हमेशा स्वाभाविक लोग. But they'll be good people. लेकिन वे अच्छे लोग होंगे. Be raised up. वे उठ खड़े होंगे दूसरे पुनरुत्थान में. इसलिए उसने कहा धन्य और आशीषित है वो जो पहले पुनरुत्थान का भाग है. उस पुनरुत्थान को कर लो जो पहला पुनरुत्थान है. But their works do follow them. और उनके काम उसका पीछा करते हैं. To die for their faith in the tribulation. उन्हें मरना है उनके विश्वास और पीड़ाओं में जो ऊपर आ रहा है. That's group 2. और वहाँ पर दूसरा झुंड है. Saint Matthew 24 or 25. बाद में संत मती उसका 25. वहाँ पर धार्मिक लोग हैं. At the white throne judgment. और सभी सियासों के न्याय पर. Millions. और वहाँ पर लाखों लोग हैं. Of heathen people and all. प्रचलित लोग और सब तरह के लोग. That never heard the gospel. Many Africans live the law. In their heart. And many Americans and civilized people, so called. So you see, in the white throne judgment, people will be raised up. And he will separate them. As like sheep from goats. जैसे कि भेड़ को बकरियों से अलग किया जाता है. Like people. और ये सारे भेड़ जैसे लोग होंगे. Because among them. और उसमें से will be good people. अच्छे लोग होंगे. Like Dr. Sam Adair. जैसे सैम अडेयर. That blessed the bride. जिनके लिए आशीषित हैं. Like Dr. Shuba. Dr. Shuba. That bless the bride. ये जिन के लिए आशीषित है. They do things that the people are supposed to be in the message will never do. उन्होंने जो किया शायद ही कोई संदेश में ऐसा नहीं करेगा. They got it in their heart. वो उनके हृदय में मिल गया है. Selected for the bride. पर जो चुने हुए नहीं हैं. Hallelujah, praise God, amen. So there's your foolish virgin. So यहाँ पर आपकी मूर्ख कुंवारियाँ हैं. False prophet give them an interpretation. हो सकता है कोई झूठे नबी इस संदेश में उसका अनुवाद करेंगे. सारे तरह के मूर्तापूर्ण अनुवाद. वे अच्छे लोग हैं. उन्हें प्रायश्चित की संपूर्णता नहीं मिल सकती. वे यीशु पर विश्वास करते हैं. प्रायश्चित पर सात गर्जन नेपालकपन सिद्धता यही प्रायश्चित की संपूर्णता है. लेकिन वे अच्छे लोग हैं. और वे शायद अंधे हो गए को झूठे नदियों के द्वारा और बस संदेश नहीं मिला है. और उनका नाम निश्चित भाग में नहीं है. अभी भी उस किताब में है. आपके लिए देने जा रहा हूँ कुछ लोग हैं. वहाँ पर एक और झुंड है. सीमा किनारे के लोग. आपको सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से. और इब्रानी 6 में है. इजराइल, बालाम, यहूदा और ये लोग यहाँ पर मान और संदेश वहाँ वे प्रमाणित करते हैं. और चिन्ह चमत्कार के साथ और सारे कामों करते हुए. और वो पहले से ठहराए गए हैं परमेश्वर के द्वारा सेवकाई के लिए. ठहराने का मतलब ये नहीं है उनके पास जीवन नहीं था. क्या तुमने देखा? तुम्हारे पास जीवन होना ही चाहिए. हमें वहाँ पर जाना है. और यहूदा और भेदों के भाग को लिया था. यहाँ पर बैठा था जब मनुष्य का पुत्र और जो भेदों को बता रहा था और पुराने नियम का. और उसने भेदों को बताया. और वहाँ पर और यहूदा ने भेदों को ले लिया और परमेश्वर के राज्यों का. और परमेश्वर ठहरा गया था लेकिन वो शैतान था. और उसके नाम को जीवन किताब से निकाल लिया गया था. और वहाँ पर बालम इजराइल थे. और वहाँ पर चौथा झुंड है जो पशु के सिद्धांतों का है. उनके नाम अब भी किताब में नहीं है. क्या उससे बात को समझ लिया दोस्तों? और उनका जीवन स्वाभाविक जन्म Because life to God is precious. क्योंकि जीवन परमेश्वर को बहुमूल्य है. For all life. उसके पास सारे जीवन का रिकॉर्ड है. That's your name. वही आपका नाम है. Amen. And then there's spiritual life. और उसके बाद आत्मिक जीवन है. A spiritual birth. जो कि आत्मिक जन्म है. Now all life is recorded in the book of life. अब सारे जीवन का रिकॉर्ड जीवन की किताब में है. Book of life. या मेमने की जीवन की किताब में है. Oh my, praise God. Do you finally understand now, friend? क्या अंत में समझ गए आपने दोस्तों? That you have representation. आपके पास प्रतिनिधित्व करना है. By predestination. पहले से ठहराए जाने के द्वारा. यहाँ पर. Catch what I was saying? क्या तुमने इस बात को पकड़ लिया? Book of life. मेमने की जीवन की किताब. The book of life. जीवन की किताब. But in the book of life. लेकिन जीवन की किताब में. Or the Lamb's book of life. या जीवन की मेमने की किताब में. Another section. यहाँ पर एक और भाग है. Which is eternal life. जो कि अनंत जीवन है. I said eternal life. मैंने कहा अनंत जीवन. Life. आत्मिक जीवन. In the Lamb's book of life. मेमने की जीवन की किताब में. You didn't get it yet. इसके बाद मैं तो समझ गया. In there before the foundation of the world. तुम्हें अभी भी नहीं मिला तो दुनिया के निर्माण से पहले. Section. वहाँ पर एक विशेष भाग है. Eternity. और अनंत काल का. These people. और ये लोग. They are the bride. वे दुल्हन हैं. Their names can never be erased. उनका नाम कभी नहीं मिटाया जा सकता. The bride. और दुल्हन. The eternal section. और अनंत काल का भाग. In the Lamb's book. और मेमने की जीवन की किताब में. The other is the wheat plant. और वहाँ पर दूसरा गेहूं का पौधा है. Foolish virgins. मूर्खोरियाँ. Righteous people. धार्मिक लोग. Their names is also before the foundation of the world. उनके नाम भी लेव डालने से पहले रखे गए थे. Would be the church. और वहाँ पर उनका कलीसिया होगा. Come up in the second resurrection. और वे दूसरे पुनरुत्थान में आ सकते हैं. But there's an eternal section. लेकिन वहाँ पर अनंत काल का एक भाग है. और जो पहले से था. तुम पहले से थे. The thought of God. और तुम परमेश्वर के विचार हो. तुम पहले से ठहरे गए हो. परमेश्वर अपने पूरे ज्ञान में तुम्हें देखा है. उसने तुम्हें चुना है. और मैंने ईसाओ से घृणा किया. याकूब से मैंने प्रेम किया. इससे पहले कि तुम कुछ करते परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया. और परमेश्वर के पुत्र जब आनंद से चिल्ला रहे थे वो आप थे. तुमने इसे देखा भाई टाइम अनंत. Your name can never be erased. तुम्हारा नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता. Stop looking down. नीचे देखना बंद करो. It is the devil's job. ये शैतान का काम है. You think. जो तुम्हें सोचने को लगाता है. Sinner. कि तुम पापी हो. You did this. तुमने ऐसा किया. तुमने वैसा किया. Cannot sin. तुम पाप नहीं कर सकते. The seed of God remaineth in you. परमेश्वर का बीज तुम्हारे अंदर रखा है. He is born of God. जो परमेश्वर से जन्मा है. Not sin. पाप नहीं कर सकता. You believe all the words. आपने हर एक वचन पर विश्वास किया है. तुमने गर्जन पर विश्वास किया है. लेबालकपन, सिद्धता. You believe Malachi. आपने मलाकी 4 पर विश्वास किया है. Can you sin? आप कैसे पाप कर सकते हो? यही तो लहू है. यही तो जीवन है. यही तो तुम में है. Representation. प्रतिनिधित्व करना. पहले से ठहरे जाने के द्वारा. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. थैंक यू लॉर्ड. महिमा. ओ हालेलुया. प्रेज गॉड. माय 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 माय. ग्लोरी. ओ हालेलुया. माय माय माय. Did you catch it? क्या आपने इसे पकड़ा? In the beginning was the word. आदि में वचन था. That's the Bible. यही तो बाइबल है. But before the beginning. लेकिन आदि से पहले. On the back side of the beginning. आदि के पिछले भाग की तरफ. Back part. पिछले भागों पर. 7 back parts. 7 पिछले भागों पर. You. वो तुम हो. For the foundation of the world. दुनिया की नींव डालने से पहले. But the church. लेकिन कलीसिया. They were in the beginning. वे जो आदि से हैं. The names was on the back side. लेकिन उनके नाम पिछले भाग में नहीं थे. In the Bible. वे बाइबल को नहीं समझते. They follow the Holy Ghost. वे कहते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा. आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह. You're not a church member. आप कलीसिया के सदस्य नहीं हो. You are the word. आप वचन हैं. आदि से. Hallelujah! Glory! Amen! My! Thank you, Jesus! My! just like the priest, उस याजकों के समान, the priest in Israel, याजक इज़राइल में, and the prostitute, और वो वेश्या, the woman at the well, कुएं पर जो औरत, on her back part, उसके पिछले भागों पर, she was white, वो सफेद थी, and the priest's back part, लेकिन याजक के पिछले भाग में, it was black, वो काली थी, his name wasn't there, उसका नाम वहाँ पर नहीं था, but on the earth, लेकिन पृथ्वी पर, oh he was high, वो ऊंचा था, he was educated, वो पढ़ा लिखा था, he was mighty, वो शक्तिशाली था, he was smart, वो चतुर था, he was learned, वो सीखा हुआ था, he knew God, वो परमेश्वर को जानता था, God come veiled in the flesh, लेकिन जब परमेश्वर आता है शरीर के पर्दे में, वो परमेश्वर को नहीं जानता, he come against God, वहाँ परमेश्वर के विरोध में आता है, क्यों? There was no representation, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, to a woman at the well, लेकिन वो कुएं पर औरत आती है, you and me, और वो आप और मैं हैं, all kind of sin, सारे तरह के पाप, गंदगी, नशा, व्यभिचार, here he comes, यहाँ पर वो आता है, spoke to you, और आपसे बात करता है, I'll give you a drink, और तुम्हें पीने के लिए from another well, दूसरे कुएं से दूंगा, you'll never thirst again, तुम्हें कभी भी फिर प्यास नहीं लगेगी, amen, come see a man, आओ एक मनुष्य को देखो, tell me all about myself, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, I'm no good, मैं अच्छी नहीं हूँ, I smell, मुझमें से बदबू आती है, मुझमें से दुर्गंध आती है, मैं अपने आप से घृणा करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, oh praise God, hallelujah, hallelujah, glory. Hi, what was it? ये क्या था? It was a blood. ये लहू था. The lamb slain. मेमना घात हुआ. That blood was veiled. और लहू पर्दे में था. Speaking for her. और उसके लिए बोल रहा था. And now the New Testament in my blood. लेकिन अब वो लहू मेरे shed for you. जो नया करार है. The blood has cleansed. तुम्हें बहाया गया है. लहू ने आपको दावा किया है. तुम मेरे हो. Be filled. तुम भर जी जाओ. Born again. फिर से नया जन्म, क्यों? तुम परमेश्वर के गुण हो, तुम्हारे पास प्रतिनिधित्व है से ठहराए जाने के द्वारा, ओह हालेलुया, ओह हालेलुया, यू कैन नॉट फेल, तुम हार नहीं सकते, ओह मैन, यू कैन फेल नेल्सन, नेल्सन तुम कभी हार नहीं सकते, oh shut, how can you fail Nelson, तुम कैसे हार सकते हो नेल्सन, इसलिए तुम यहाँ सारे वेस्ट पेंसिल्वेनिया से चला कराते हो, I'm not what I want to be, मैं वो नहीं हूँ जो होना चाहता हूँ, वह होनी हूँ जो होना चाहिए, मैं तो वो नहीं हूँ जो मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर ने तुम्हारे कबूलने को ग्रहण कर लिया है, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, glory, amen, oh my, all God wants you to do, जो परमेश्वर कराना चाहता है वो एक नियम में कराता है, Ruth was justified, रूथ धर्मी थी, but she also did the legal, लेकिन उसने नियम के भाग को भी किया, sanctification is a legal, पवित्रीकरण वो नियम भाग है, if you will only do, अगर तुम सिर्फ करते हो the legal part, उस नियम को, get rid of the filth, गंदगी से पीछा छुड़ाना, that must be done, ये करना ही होगा, sanctification of your human spirit, मानवीय आत्मा का पवित्रीकरण, you know you're justified, तुम जानते हो तुम क्या, दुनिया की नींव डालने, you know you have representation, तुम जानते हो तुम्हारे पास प्रतिनिधित्व है, by predestination, पहले से ठहराए जाने के द्वारा, all you have to do, अपने आप को साफ करना, prove that there's a lifeline in you, ये साबित करने के लिए तुम्हारे पास एक जीवन रेखा है जो कि तुम्हें खिला रहा है, और जैसे बालक तुम में जो रहा है, वो प्रेम उस बेबी को लेने जा रहा है, oh my my my, the bride is part of the husband, दुल्हन पति का भाग है, but you have to recognize your position, लेकिन तुमने अपने स्थान को पहचान लिया है, amen, amen, you believe it, क्या तुम विश्वास करते हो, there is a river, यहाँ पर एक नदी है, flows from deep within, जो पहले से बह रही है, representation, ओ प्रभु करना पहले से ठहरा जाने के बाद, क्या आप लोग खुश हैं ये जानते हुए कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम उसके साथ तुम उसके साथ राज करो, with them. you, Lord. Oh, come to these waters. There is a vast supply. There is that never shall run dry. You may be seated as we continue to sing. There is a river that flows from deep within. Come to these waters, there is a vast supply. Keep playing softly. थोड़ा धीमे बजाएंगे. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. Well, friends. ठीक है दोस्तों. Just to think that we have representation. अब इसे सोचिए कि हमारे पास प्रतिनिधित्व करना है. By predestination. पहले से ठहराए जाने के द्वारा. To think the all-knowing God. परमेश्वर सारी बातों को जानते हुए. In this hour now. इस घड़ी में. The last days. अंतिम दिनों के. Of the world system. और इस दुनिया सिद्धांत के बारे में. We thank God to know. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जानते हुए सारा नरक खोला गया है और सारे गुप्त स्थान, ये नरक के दूत, ये सारे दुष्ट आत्माएं और ये शैतान हैं जो नरक से जो पृथ्वी के ऊपर आए हैं लगभग 1963 से. फ्री स्पीच और जो खुला भाषण है और सरकार विरोधी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, संगठन विरोधी, एंटी हेडशिप ऑफ द फैमिली, मुख्य परिवार विरोधी, दिस इज डेविल्स, ये वो शैतान है जो छोड़ा गया है उस सभ्य सिद्धांतों को नीचे गिराने के लिए. When America and the people were blessed, और अमेरिका और लोगों को जब आशीष को पाया, and family was a real thing at one time, और परिवार सब सही चीज या all finished now. ये सब खत्म हो गया है. Thank God to know this morning. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जानते हुए I'm from God's family. कि मैं परमेश्वर के परिवार से. Praise God. And I have a place to go to. और मेरे पास जाने के लिए स्थान है. Going to a wedding supper. और मैं ब्याह के भोज में जा रहा हूँ. Going to a honeymoon. मैं हनीमून में जा रहा हूँ. Going to a new city. मैं एक नए शहर में जा रहा हूँ. एक नए शहर में, एक नई पृथ्वी पर. Thank God. धन्यवाद हो परमेश्वर. We're going into rapture. मैं रैप्चर में जा रहा हूँ. We don't have to be here for 3.5 years of hell. मैं यहाँ 3.5 साल तक नरक में नहीं रहना चाहता. My my. Well, with every head bowed. हम अपने सरों को झुकाएंगे. Is there one this morning? और यहाँ पर कोई ऐसा है? Understand the way it was preached. और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जिस तरह से प्रचार हुआ. No, something is going on. लेकिन तुम जानते हो कुछ तो यहाँ हो रहा है. You don't know from the message. अगर तुम नहीं जानते संदेश से. Walk out the door. अभी तुम दरवाजों के बाहर जाओ. And you see all the curses in the Bible. और सारे जो श्राप बाइबल से हैं manifested in the streets. और बाहर सड़कों पर प्रमाणित हो रहे हैं. You see the blessing of the Bible. और तुम देखो सारी आशीषें जो बाइबल से हैं God's people. और परमेश्वर के लोगों पर प्रमाणित हो रही है. वो जो वचन के स्थान को जीने की कोशिश कर रहे हैं. So we give you a chance this morning. तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं आज की सुबह. अगर हो सकता है तुम पापी हो और तुम एक अच्छे व्यक्ति हो. हो सकता है तुम एक संस्थागत कलीसिया से हो. और हो सकता है तुम एक फिर से जन्म पाए हुए लेकिन तुम्हारे पास बपतिस्मा नहीं है मसीह बपतिस्मा. प्रभु यीशु मसीह के नाम से. एक तरफ से पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन कहा था, और इसलिए तुम एक मौका देते हैं सुबह, अगर तुम अपने परमेश्वर को हृदय को देना चाहते हो। यहाँ पर कोई एक ऐसा है जो परमेश्वर की गहराई में जाना चाहता है, और सचमुच परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहता है। आपको एक सुअवसर देना चाहता हूँ। बाइबल कहता है अगर तुम उसकी आवाज को सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करना। तो परमेश्वर की स्तुति हो। Brother Joey, by Joey, bring little Peter, और छोटे बच्चों को यहाँ लेकर आए। By Willie, I'd like to pray for you before you go to the hospital for your operation. प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप ऑपरेशन के लिए अस्पताल जा रहे हैं। Ben, Costa, give us a key for the great physician. मुझे एक स्वर देना महान चंगा करता। Saint Jesus, he speaks the truth to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Sweet. No insane sweetest name on mortal tongue, sweetest carol.